नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 4 और आपके साथ मैं राजेंद्र देव। थोड़ी देर में वाराणसी से जम्मू के लिए विमान सेवा शुरू होने जा रही है। 4:05 पर पहला विमान टेक ऑफ करेगा वाराणसी से जम्मू के लिए और वैष्णो देवी जाने वालों के लिए आज से यह बड़ी शुरुआत हो रही है। नवरात्र, चैत्र नवरात्र 2 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। पहले इस सेवा को 2 अप्रैल से शुरू होना था, लेकिन नवरात्र में श्रद्धालुओं के दर्शन का उत्साह देखते हुए और उनकी सहूलियत को ख्याल में रखते हुए आज से ही इस विमान सेवा की शुरुआत की जा रही है। कुछ मिनटों में ही वाराणसी से जो पहली फ्लाइट है जम्मू के लिए वो टेक ऑफ करने वाली है। तैयारी पूरी है, 4:05 का वक्त है, वाराणसी से जम्मू के लिए रवाना होगा यह हवाई जहाज और मात्र 90 मिनटों में यात्री वाराणसी से जम्मू पहुंच जाएंगे और उसके बाद आगे का सफर तय करके वो माँ वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगा देंगे, उनकी कृपा प्राप्त कर लेंगे। चलिए आपको सीधा वाराणसी लिए चलते हैं और नीतीश पांडे बिल्कुल तैयार हैं ये बताने के लिए कि कितने बजे विमान जो टेक ऑफ करना है। 4:05 का वक्त है, नीतीश जिस विमान को टेक ऑफ करना है तो मेरा ख्याल है बिल्कुल अब कुछ सेकेंड्स में, कुछ मिनटों में ये विमान उड़ान भरना शुरू करेगा, रनवे पर दौड़ना शुरू करेगा। निश्चित तौर पर राजन जी, इस वक्त मैं एयरपोर्ट के भीतर ही मौजूद हूँ और थोड़ी ही देर में, बल्कि यूँ कहें तो कुछ ही क्षण शेष है जब विमान बनारस से जम्मू की ओर यहाँ से रवाना होगा। तो अब बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम से माता वैष्णो के धाम की दूरी मात्र 1.5 घंटे में तय की जाएगी। आने वाले समय में पर्यटन को नया आयाम मिलेगा, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि अब तक जो सेवाएं थी वो वाया कहे, जो विमान सेवाएं थी वो वाया थी, लेकिन अब सीधी विमान सेवा यहाँ से शुरू हो गई है और जो यात्री हैं वो तो विमान तक पहुँच चुके हैं, लेकिन जो लोग नहीं जा सके हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। तो अब आज से वाराणसी से जम्मू के लिए नई सेवा की शुरुआत हुई है, तो आपको क्या लगता है, अब लोग यात्रा करते हैं तो कितनी सरल ये जो सेवा है वो बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम से माँ वैष्णो धाम के? ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी जो काशी विश्वनाथ को आते हैं वो बाबा अमरनाथ भी जा सकते हैं और जम्मू के लिए भी जा सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ और भी ने अच्छा किया है, कुछ और भी यात्रा करने वाले लोग मौजूद हैं। अब बताइए कि जिस तरह से वाराणसी से जम्मू के लिए सीधी विमान सेवा की शुरुआत हुई है, आज हो रही है, अभी कुछ ही क्षणों में यहाँ से विमान रवाना होगा, तो ये सेवा कितनी ज़रूरी है और यात्रियों का इस पर क्या? ये बहुत अच्छी सेवा है जो माननीय श्री प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र से यहाँ से शुरू हो रही है, क्योंकि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उत्तर प्रदेश वाराणसी से बहुत से लोग जाते थे और बहुत परेशानी होती थी, पहले दिल्ली जाते थे फिर दिल्ली से बाई एयर जाते थे। इससे एक तो माता वैष्णो देवी तक पहुंचना बहुत आसान है, डायरेक्ट फैसिलिटी मिलेगी, प्लस वहां से अमरनाथ जी की यात्रा जो कि शिव जी का दूसरा धाम है वहां पहुंचना बहुत आसान है। यानी धार्मिक पर्यटन को बड़ा लाभ, पर्यटन को बहुत लाभ मिलेगा और इससे जो जनता है उसको बहुत आसानी होगी। राजन जी, इस वक्त मैं आपको ये एयरपोर्ट की तस्वीर दिखाना चाहूंगा, आप देखें जब यात्री, जो विमान यात्री यहाँ पर पहुंचे तो लोगों में उनको देखने के लिए भी उत्साह था, उनमें एक प्रथम यात्री थी, उनका फूल देकर स्वागत किया गया और इसके साथ ही जो यात्री विमान में सवार होने वाले थे वो भी आज उत्साहित थे। उत्साहित इसलिए कि एक तरफ बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम की अलौकिक छटा और यहाँ से माँ वैष्णो के धाम तक पहुँचने के लिए अब जो समय है वो कम लगेगा। 15 दिनों पहले अगर आप बुकिंग कराते हैं, ये जो फ्लाइट है, ये जो सेवा है, 15 दिनों पहले अगर आप इसकी बुकिंग कराते हैं तो इस सेवा के लिए कुछ सस्ते में टिकट मिल जाएगा, लेकिन अगर तत्काल कराते हैं तो शायद 6 से 7, 7 साढ़े 7 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन ये जो सेवा है समय की बचत की सेवा है, इसके साथ ही आने वाले दिनों में जिस तरह से हमारी यहाँ के जो पर्यटन व्यवसायियों से बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब यात्री सीधी विमान सेवा यहाँ से शुरू होगी और यात्री आएंगे तो उससे आने वाले दिनों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जो यहाँ का व्यवसाय है वो भी अपने उच्च शिखर को प्राप्त करेगा। और एक और जहाँ पे बाबा से माता के दरबार की एक बात कही जा रही थी, एक सपना था कि धार्मिक पर्यटन किस तरह से विकसित हो, धार्मिक पर्यटन को किस तरह से एक अलौकिक छटा और मिले, वो सारी चीज़ें अब साकार होती दिखाई दे रही हैं। तो मुख्यमंत्री के 2.0 के शासन में इस बार बाबा के धाम से अब माँ वैष्णो के धाम के लिए सेवा की शुरुआत, कुछ ही क्षण और शेष है जब यहाँ से विमान माँ वैष्णो के धाम यानी जम्मू के लिए यहाँ से रवाना हो जाएगा। नीतीश, कितनी सेवाएं होंगी एक दिन में नीतीश सर में? बिल्कुल नीतीश, एक बार जरूर हमारे दर्शकों को बताइए कि कितने फ्रीक्वेंसी होगी इस विमान की
कितनी उड़ानें होंगी वाराणसी से जम्मू के लिए और कितनी उड़ानें वहां से वापस आएंगी वाराणसी, ये भी हमारे दर्शकों को अवश्य बताएं। राजेंद्र जी, सप्ताह में 3 दिन ये जो विमान सेवा है 3 दिन रहेगी और इन 3 दिनों में जो विमान एक बार जाएगा और फिर एक बार आएगा, जो यात्री हैं उनको अपने टिकट पहले से बुक कराने होंगे। तो सप्ताह में 3 दिन और दिन में 2 बार, एक बार जाना और एक बार आना, ये विमान सेवा का ये शेड्यूल है। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो यात्री यहाँ पर आएंगे उनके लिए भी विशेष सुविधा के इंतजाम किए गए हैं। चूंकि धार्मिक शहर है तो जो भी यात्री यहाँ से रवाना होंगे उनको धार्मिकता का एहसास हो, तो आने वाले दिनों में एयरपोर्ट परिसर में भी एक विशेष व्यवस्था की जाएगी, जिसमें ये चीज़ें हैं कि आप जब बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम के उनके कहे कि काशी में आप मौजूद होते हैं, धाम में पहुंचते हैं, जो यहाँ पर तस्वीरें लगाई जाएंगी और माँ वैष्णो धाम की भी तस्वीरें यहाँ पर लगाई जाएंगी। तो एक तरह से पूरे एयरपोर्ट के जो माहौल है उनको भी उसको बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम और वैष्णो वेलकमिंग किया गया है। आपकी बात से बिल्कुल जाहिर है नीतीश, के जो यात्री आए उनको बड़ा स्वागत योग्य वातावरण वहां पर दिखे, इसका प्रयास किया जा रहा है वहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण वाराणसी एयरपोर्ट से। आगे बढ़ते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ। बलिया से इस वक्त हमारे पास है, पेपर लीक कांड के आरोपियों को 14 दिनों की जेल दी गई है। जी हाँ, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए आरोपी। 5 ही आरोपियों को बलिया CGM कोर्ट में पेश किया गया जो आज गिरफ्तार किए गए थे और इनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बड़ी अपडेट बलिया से, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में इन 5 ही आरोपियों को जिन्हें आज ही गिरफ्तार किया गया बलिया से पेपर लीक कांड में, उनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बड़ी खबर, पेपर लीक कांड के आरोपियों को 14 दिनों की जेल फिलहाल दी गई है CGM कोर्ट के द्वारा। बलिया संवाददाता अजय भारती हमारे साथ जुड़ गए। अजय, आपने जब ये 5 गिरफ्तारियों की खबर दी थी तो आपने बताया भी था कि इन 5 को आज ही कोर्ट में पेश किया जाएगा और अब कोर्ट ने इन्हें 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है, तो कोर्ट ने ऐसा करते हुए क्या कहा है? राजन, ये मैं आपको बता दूं कि कुल 22 आरोपी बनाए गए हैं इस पेपर लीक मामले में और जिनमें से आज 5 लोगों को, जो सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के जो आरोपी थे, उनको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश किया गया जहां से उनको 5 लोगों को जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया है। क्योंकि यहां बलिया जेल में पानी भरा हुआ है, लिहाजा उनको आजमगढ़ जेल शिफ्ट किया जा रहा है इन 5 आरोपियों को। और ये मामला जो है आज सुबह से ही प्रशासन के लोग और STF के लोग छापेमारी लगातार कर रहे हैं कि आखिर उस सत्ता में पहुंचा जाए कि ये पेपर कैसे लीक हुआ, कहां से लीक हुआ और कितना तक पहुंचने का प्रयास में जुटे हुए हैं। STF और पुलिस के लोग लगे हुए हैं। बाकी के जो 17 आरोपी हैं उनके बारे में क्या जानकारी है आपके पास अजय? बाकी आरोपियों की पेशी अभी होनी है और अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद किया जा सकता है किसी की पेशी अब थोड़ी देर में होगी। ठीक है, तैयारी की, जब उनका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है, मेडिकल परीक्षण जैसे ही पूरा होगा उनको पेश किया जाएगा। अजय, आप कह रहे हैं कि जो 5 आरोपी आज गिरफ्तार किए गए इनको आजमगढ़ की जेल में 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा, क्या इसी की डिमांड की थी प्रोसिक्यूशन ने? जी, प्रोसिक्यूशन ने इसकी ही डिमांड की थी और ये डिमांड किया गया था। इनकी तरफ से अपनी रक्षा में क्या कोई बात कोर्ट में कही गई अपने डिफेंस में? इसकी जानकारी तो नहीं मिल पाई है कि इनकी तरफ से क्या रखा गया कोर्ट में। ठीक है, इन 5 आरोपियों के बारे में बताएं अजय, जो आज 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में CGM कोर्ट के द्वारा भेजे गए हैं और आज ही गिरफ्तार किए गए हैं, ये कहां से गिरफ्तार किए गए, इनकी क्या भूमिका देख रही है पुलिस, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। अजय, बड़ी खबर इस वक्त की ये है, एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, 5 आरोपी पेपर लीक मामले में आज ही गिरफ्तार किए गए बलिया से, बलिया पुलिस के द्वारा CGM कोर्ट में पेश किए गए और उसके बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। धन्यवाद अजय आपका। और एक और बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है, उत्तराखंड में बिजली की दरों में बढ़ोतरी की खबर आ रही है। महंगी हो गई है बिजली उत्तराखंड में और दरों में 2.68% की बढ़ोतरी की गई है। चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, नई सरकार ने शपथ ग्रहण कर लिया, मंत्रियों के
विभाग उनको दे दिए गए हैं और अब ये एक फैसला। उत्तराखंड में महंगी हो गई है बिजली, बिजली की दरों में 2.68% की बढ़ोतरी की खबर आ रही है। उत्तराखंड में 2.68% बिजली महंगी हो गई है, बड़ी खबर। रवि केंदुरा फोन लाइन पर है। रवि, ये जो खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, इसके बारे में और विस्तार से जानकारी दें। ये फैसला जो ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लिया गया होगा वहां पर, इसके पीछे क्या कोई कारण दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए विद्युत नियामक आयोग जो है हर साल विद्युत की दरों को बढ़ाने का फैसला लेता है और कल से ये दरें अब जो है लागू हो जाएंगी। इसमें सामान्य तौर पर अगर देखें तो जो डोमेस्टिक श्रेणी है उसमें 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है और कमर्शियल की अगर बात करें तो 16 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल श्रेणी में बात करें तो 15 पैसे यूनिट की बढ़ोतरी यहाँ भी हुई है। और जो खास बात है जो दर्शकों को जाननी चाहिए, अगर नया कनेक्शन आप लेते हैं तो 60 से 80 रुपए की बढ़ोतरी उसमें भी हुई है। यानी कि सामान्य तौर पर देखें तो पहले प्रति यूनिट 4.57 रुपए आती थी, अब वो यूनिट 4.72 रुपए हो जाएगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तमाम यूनिट है उसको कुछ जो पैसों में है उसकी वृद्धि की गई है। ऐसे में सामान्य तौर पर एक जो आम आदमी है उसको अब बिजली की दरों का ये झटका हम जरूर कह सकते हैं। और इससे अब कल से ही नए टैरिफ शुरू हो जाएंगे जिसके बाद जो अब बिल है वो लोगों का बढ़ा हुआ आएगा। जो सामान्य तौर पर हर प्रति यूनिट जो है कुछ पैसों की बढ़ोतरी की गई है जो 15 से 16 पैसे प्रति यूनिट है। जी रवि, ये चूंकि ताजा ताजा फैसला है, अभी तत्काल तो लोगों से उनकी प्रतिक्रिया आपको नहीं मिल पाएगी, लेकिन ये हमारे दर्शकों को जरूर स्पष्ट करिए कि क्या विद्युत नियामक आयोग हर वित्तीय वर्ष के आखिर में इस प्रकार से रेट्स को रिवाइज करता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो जो यूजेबिनल और यूपीसीएल होता है वो विद्युत नियामक आयोग को अपनी इस तरीके की एक वो देता है कि उसे किस तरीके से और जो है विद्युत दरों को बढ़ोतरी की जाए ताकि और संसाधनों को बढ़ाया जा सके। कितना खर्चा इस समय जो है जो यूजेबिनल है जो बिजली का उत्पादन करते हैं, जो यूपीसीएल है जो लोगों तक बिजली को पहुंचाता है, वो कितना खर्चा जो है वहन कर रहा है और उसके हिसाब से इस बार प्रति यूनिट कितना बढ़ना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो प्रतिवर्ष यूजेबिनल और यूपीसीएल के द्वारा ये दिया जाता है विद्युत नियामक आयोग को कि वो दरें बढ़ाई जाए और इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इससे पहले भी तमाम जो बैठकें हैं वो भी हुई हैं, उन बैठकों के बाद ही जो औसत बिलिंग दर है उसमें ये वृद्धि की गई है, जिसको पैसों में वृद्धि की गई है, उसके साथ ही जो नए कनेक्शन है उनको लेने में भी ये वृद्धि की गई है। तो जो उपभोक्ताओं की जो श्रेणियों का जो ट्रैफिक जो टैरिफ है वो सामान्य वृद्धि का जो अब आएगा वो औसत जो बिलिंग दर है वो अब ज्यादा हो जाएगी, चाहे वो घरेलू की बात करें या चाहे हम उसको कमर्शियल के दरों की बात करें। जी बहुत धन्यवाद आपका रवि केंदुरा। तो 2.68% बिजली महंगी उत्तराखंड में, बड़ी खबर आ रही है। सोनभद्र के जिलाधिकारी टीके शिबू को सस्पेंड कर दिया गया है। डीएम सोनभद्र टीके शिबू पर खनन के आरोप हैं और निर्माण कार्यों में भी शासन को उनके बारे में शिकायतें मिली थीं। खुफिया रिपोर्ट के आधार पर निलंबन की कार्रवाई हुई है और ये बड़ा एक्शन। जिलाधिकारी सोनभद्र टीके शिबू पर एक्शन लिया गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। निर्माण कार्यों में भी शासन को शिकायतें मिली थी, खनन के आरोप भी उनके ऊपर हैं। खुफिया रिपोर्ट के आधार पर निलंबन की कार्रवाई हुई है, ये बड़ा एक्शन शासन का, ये बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार की। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ ऑनलाइन पर है। वीरेश, क्या और जानकारियां मिल रही है आपको इस कार्रवाई के बारे में? देखिए, महाभ्रष्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी टीमों को मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सस्पेंड कर दिया है। ऋषि गंगा ने अभी एक दिन पहले ये खबर चलाई थी कि पूर्वांचल का एक जिलाधिकारी उसे सस्पेंड किया जाएगा, निलंबित किया जाएगा। कारण बताया जा रहा था कि जो खुफिया रिपोर्ट आई है इस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की वो खनन में इन्वॉल्व और अन्य निर्माण कार्यों में इन्वॉल्व, यानी भ्रष्टाचार की इंतहा हो गई थी। और मुख्यमंत्री के कार्यालय तक जब खुफिया विभाग की रिपोर्ट पहुंची तो मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए सख्त निर्देश में इस पूरे मामले पर अधिकारियों को कहा कि सस्पेंशन से नीचे उठे कुछ नहीं चाहिए और निलंबित कर दिया गया जिलाधिकारी। सरकार बनने के साथ ही योगी टू के यानी योगी द्वितीय के जो तेवर है वो देखने को मिल रहे हैं जमीन पर, सतह पर। जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं बड़े, और साथ ही मुख्यमंत्री खुद एक्शन में है। मुख्यमंत्री के कहने के बाद इस भ्रष्टाचारी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। और इसकी खबर ये थी कि चुनाव के दरमियान भी ये जब आचार संहिता, हालांकि अभी लगा हुआ है, आचार संहिता के दरमियान
बहुत ज्यादा इसने फायदा उठाया और लगातार खनन में इन्वॉल्व था और इसके रिश्तेदार इन्वॉल्व थे, इसके घर वाले रिश्तेदार और सारे लोग मिलकर सोनभद्र को के खनन के कार्यों में, अन्य निर्माण कार्यों में धांधली कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे। और भ्रष्टाचार की खबर जब खुफिया माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंची, पूरी रिपोर्ट का वो मुख्यमंत्री ने खंगाला देखा और जो चुनाव का वक्त था उसी समय से इस पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई थी। लेकिन मुख्यमंत्री ने जब अपना शपथ लिया और शपथ लेने के बाद फिर इस पूरे मामले की गहन पड़ताल की और पूरी तरीके से जब वो आश्वस्त हो गए कि इस पूरे मामले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टीबू की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है और उनके रिश्तेदार, उनके घर वाले इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं, तो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, उनके जीरो टॉलरेंस के बाद ये निलंबित कर दिए गए। वीरेश, कब से ये तैनात हैं सोनभद्र में और इससे पहले के इनके क्या पदाभार रहे हैं, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, लगभग ये 7-8 महीने पहले इनको वहां तैनात किया गया था, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हटाकर इनको रखा गया था और बहुत उम्मीद के साथ इन्हें वहां रखा गया था कि बहुत ईमानदार छवि के अधिकारी हैं। कुछ आला अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया था कि शिबू जो है बहुत ईमानदार है और इस जनजाति इलाके को बेहतर तरीके से रख रखाव कर सकते हैं, जिला चला सकते हैं, लेकिन जो उम्मीद थी उससे अलग ये निकले और इनका जो मामला था उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंची तो मुख्यमंत्री ने उन अधिकारियों को फटकार भी लगाई जिन्होंने इनकी सिफारिश की थी, जिन्होंने इनकी पैरवी की थी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी को भी जिला देने से पहले कई बार सोचते हैं, विचारते हैं, खंगालते हैं और अधिकारियों से बातचीत करते हैं। जो रिपोर्ट इनके लिए दी गई थी कि ये बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं, उस रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री बहुत नाराज हैं और मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी जिलाधिकारी की नियुक्ति के समय इस पूरे मामले में अब सतर्कता बरती जाए। और उन अधिकारियों पर सोर्सेज से मेरे पास खबर है कि मुख्यमंत्री ने जो इस आला अधिकारी ने इस अधिकारी की तारीफ की थी और फाइल आगे बढ़ाई थी उसको लेकर भी मुख्यमंत्री बेहद सख्त हैं, नाराज हैं और मुख्यमंत्री ने सख्त हिदायत दी है कि आगे से जो जिलाधिकारियों का चयन होगा वो बहुत ही पारदर्शी तरीके से और पारदर्शी तरीके से करने की जरूरत है। और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ये विलंबन हुआ है, पूरे ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मचा हुआ है, लोक भवन में जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है उसमें हड़कंप मचा हुआ है और पूरे ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप है कि योगी द्वितीय शपथ लेने के महज कुछ दिन के अंदर, एक हफ्ता भी नहीं हुआ, और मुख्यमंत्री ने एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। मुख्यमंत्री के इस जीरो टॉलरेंस लिमिट को लेकर खलबली मची हुई है। लोक भवन से कई अधिकारियों से हमारी जब बात हुई तो उनका ये कहना है कि इस बार की सरकार और सख्त हो गई है, मुख्यमंत्री और सख्त हो गए हैं, फुल फॉर्म में खेल रहे हैं मुख्यमंत्री और ऐसे में खनन मामले में संलिप्तता मिलने के साथ ही मुख्यमंत्री ने एक्शन ले लिया। वीरेश, आप कह रहे 7-8 महीने पहले इनकी पोस्टिंग हुई सोनभद्र में और बड़े भरोसे के साथ इनको वहां पर तैनात किया गया और चुनाव के दौरान ही इनके बारे में रिपोर्ट पहुंच चुकी थी मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री के पास। उसके बाद इन्होंने और इस बारे में तफ्तीश की और जानकारियां प्राप्त की और तब जाकर यह एक्शन लिया गया है। वीरेश, ये बड़ा एक्शन है, जिलाधिकारी, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें से एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर देना, वो भी इतने सीरियस चार्जेस में, खनन के आरोप में, तो ये बहुत बड़ी घटना है, ये बड़ा एक्शन है और इसके जो रिपल इफेक्ट्स हैं वो पूरे शासन में महसूस किए जाएंगे। इनके बारे में और अगर जानकारी आपको प्राप्त हो तो हमारे दर्शकों के साथ जरूर साझा करें। ये देखिए, ये अधिकारी जो हैं वो इनके बारे में ये कहा जाता है कि अन्य जगहों पर जब ये थे तो भी इनके ऊपर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन जब फाइल मुख्यमंत्री के पास गई तो इनके बारे में ये बताया गया कि ये बहुत अच्छी छवि के अधिकारी हैं और जनजातीय बाहुल जो सोनभद्र है, पिछड़ा इलाका है, पिछड़ा जिला है, वहाँ के जिलाधिकारी के तौर पर ये बेहतर काम कर सकते हैं, लेकिन जो उम्मीद थी उसको इन्होंने धक्का पहुंचाया और इतिहास से इन्हें सस्पेंड किया गया है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, उम्मीदों पर तुषारापात हुआ है मुख्यमंत्री की और जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को लेकर उनका हम सभी लोग जानते हैं, ये उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं कि उनके जो टॉप ऑफिसर्स हैं वो इस तरह के काम में इन्वॉल्व हों या उनके बारे में इस तरह की बातें सामने आएं। क्या कोई और भी एक्शन हो सकता है चूंकि उनके मातहत भी जांच के दायरे में हो सकते हैं? वीरेश,
निश्चित रूप से अभी उन्हें सस्पेंड किया गया है, सस्पेंशन के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी, उनसे पूरे इस मामले की जानकारी ली जाएगी और उसके बाद से कोई और कड़ा एक्शन भी होना होगा तो उसे लिया जाएगा। सस्पेंशन एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए बहुत बड़ा कदम माना जाता है, ये कोई सामान्य कदम नहीं है, बल्कि कोई ट्रांसफर कर सकता है, तमाम बातें हो सकती हैं। ये 2012 बैच की, अभी बहुत ज्यादा नहीं, 2012 बैच के ये डिस्ट्रिक्ट है, 2012 बैच और 2022 यानी 10 साल अभी नौकरी में इन्हें आया हुआ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। और जिस तरीके से इनकी कार्य प्रणाली है उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि 2012 बैच के अधिकारी आने के साथ ही शपथ लेते हैं जनता ठीक है के आप कह रहे हैं 2012 बैच के अधिकारी हैं, इससे पहले श्रावस्ती में भी रह चुके हैं और ये बड़ा एक्शन 7 से 8 महीने में तैनाती के बाद इनके ऊपर लिया गया है। बहुत धन्यवाद फिलहाल विदेश आपका, आपने बड़ी जानकारी दी और ये बड़ी खबर, सोनभद्र के जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है खनन के आरोपों के सामने आने के बाद और खुफिया रिपोर्ट के आधार पर। इसी बड़ी अपडेट के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एबीपी गंगा पर लगातार जारी है।